है इनसे, और जो स्टूडेंट जो है वो दारुल उलूम ऑनलाइन से डिग्री लेता है बीए की एंड एमए की, और दोनों का जी, इंटेलिजेंस लेवल सेम है। ये वाला सवाल आप मुझसे प्राइवेटली करें, क्योंकि मैं यहाँ किसी भी इंस्टीट्यूशंस की इंक्लूडिंग माय ओन प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है? मुफ्ती साहब, ये प्रमोशन, ये ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन मान लीजिए, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं करता। आप ये सवाल चूंकि मुझसे कर रहे हैं तो ये आप प्राइवेटली कर लीजिए, लेकिन मैं तो मुझसे अगर कोई, चूंकि आपने कर दिया, कभी आप ये समझ रहे हो कि मैं इस सवाल से भाग रहा हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक आदमी अगर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में, मसलन दारुल उलूम दियोबंद में जाना चाहे ना, तो वो कभी भी ऑनलाइन ना पढ़े, कहीं भी ना पढ़े, उसको वहीं जाना चाहिए। और जहां भी मदरसे में आपको जाने का मौका मिले तो आप उसी मदरसे में जाए फिजिकली, उसकी अहमियत ज्यादा है और तभी आप ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो अब हमारे साथ हैं प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम, लास्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों भाई आप इतने प्रोसिक्यूटेड क्यों हैं? हजरत एक मिनट जरा, मैं ना आपको कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। आपको एक नाम याद आएगा, स्क्रीन पर देखे जरा, लो अर्जुन तलहमान, ये क्या नाम था पहले? हाँ भाई, तो आप तो दोबारा आ गए। नहीं, सोचा कि वो तो थोड़ा सवाल गड़बड़ हो गया, तो काम का सवाल पूछता हूँ। अच्छा, तो मतलब इस तरह करके आना तो अच्छी बात नहीं है ना, आपसे कहा था कि नहीं, अब काम का सवाल नहीं, वो पहले पहले बेकार सवाल था वो। किसी का हक मार जाएंगे ना आप, ये भी तो सोचा करें ना कि किसी और भाई से बात हो जाए, उसको हक मिल जाएगा। आप दो बार, ये फ्री की बर्फी तो नहीं है ना, आप आ गए हैं तो ऐसा तो कोई ईमेल भी बदल के आ सकता है, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो बदल के आ जाए, हम तब तब की तब देखेंगे, वो ट्राई कर रहे हैं। जी जी भाई अरमान साहब। जी सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, दो हदीस है, दोनों सही है। पहली हदीस ये है कि ओबे द रूलर, आपने सुना होगा वो, जब तक वो मतलब इस्लाम के खिलाफ ना हुक्म दे कुछ। और दूसरी हदीस है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसको पहले हाथ से रोके, नहीं तो फिर नहीं कर सकते तो जबान से, नहीं तो फिर तीसरा है आपको दिल में उसे वो करें, बुरा समझे। तो इनमें से कौन सी इसको मतलब अमल में लाए, कौन सी? दोनों पर आप अमल करेंगे, क्योंकि जहां रोकने की बात है वो अलग अलग तबके के लिए है। मसलन अगर आपके पास ताकत है तो आप हाथ से रोकेंगे, और चूंकि आम हालात में हुकूमत के पास ताकत होती है, तो वो जो पहला हिस्सा है जुमले का, हदीस का, कि अगर आप अपने हाथ से रोक सकते हैं, तो इसमें एडवाइस दी जा रही है हकूमत को या हकूमत में बैठे हुए फर्द को, कि चूंकि तुम्हारे पास ताकत है और तुम बुराई देख रहे हो, तो तुम अपनी ताकत से उस बुराई को रोकोगे। दूसरा जो हुक्म है कि अगर तुम अपनी ताकत से नहीं रोक सकते क्योंकि तुम्हारे पास नहीं, तो अपनी जबान से रोको। ये हुक्म उन लोगों को है कि जिनके पास इल्म है, मसलन उलमा हजरात हैं, वो ताकत तो उनके पास नहीं है लेकिन जबान अल्लाह ने दिए, इल्म दिया है, तो उन्हें अपने इल्म और जबान को इस्तेमाल करके उस बुराई का खात्मा करना चाहिए। और जो आम आदमी है कि जिसके पास ना ताकत है ना इल्म है, तो लेकिन उसको पता है कि ये चीज बुरी हो रही है, लेकिन को साबित कैसे करूं चूंकि मेरे पास ना जबान है ना इल्म है, तो ऐसी सूरत में वो कम से कम उस बुराई को अपने दिल में ही बुरा जाने, ये मतलब है इसका। मुफ्ती साहब, जो सऊदीया में कुछ लोग उसे कंडेम करते हैं गलत चीजों को रूलर के ये चीज तो, ये चीज भी हमारे मौजू से बाहर है। मैं किसी भी यानी ईरान हो कि सऊदीया हो, मैं इस ताल्लुक से बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करना चाहता। एक उसूली बात मैंने आपको कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई काम मुस्लिम हुकूमत के अंदर हो रहा है, तो अगर वो यानी रूलर के खिलाफ बगावत करना जायज नहीं है, इल्ला ये के कुफरम बवाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ओपन कुफर वो कर रहा हो, तो बात अलग है, उसके उसके अलावा बगावत करना जायज नहीं है। और रूलर को एडवाइस करना ये बिल्कुल दुरुस्त है, एडवाइस करने के लिए अहल लोग होने चाहिए। बाकी जो चीज जहां हो रही है हम उसको कोई सपोर्ट नहीं करते, जो बुराई है तो बुराई है, उसको बुराई कहा जाएगा। ठीक है भाई जी, जजाकल्लाह, चले, शुक्रिया। अच्छा हजरत, ये आपने सवाल लिए तो बात एक की, तो मेरे जहन में सवाल आया, अगर मुनासिब समझे तो उस पर बात कीजिएगा, वरना आप स्किप कर दें। वो ये है कि क्या ये शर्त भी ठीक है, एक तो कुफ्र बवाह का आपने जिक्र कर दिया, एक ये कि अगर चांसेस मैक्सिमम हो कि आप वो बगावत के अंदर कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज तो फिर खून रेजी होगी और नाकाम हो जाएंगे, तो फसाद और फितने का ज्यादा चांसेस है, ये शर्त ठीक है या नहीं? नहीं, चूंकि इस बात के का कोई इम्कान नहीं है, बागी के पास हमेशा ये चांसेस होते हैं कि वो बगावत में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बगावत हमेशा कामयाब नहीं होती और उसके अंदर भी ब्लडशेड होता है। तो ये कहना कि जी बगावत इसलिए दुरुस्त है क्योंकि उसने एनालाइज किया, वो बागी बना ही एनालाइज करके, उसने गलत एनालाइज किया। ठीक ठीक
ठीक। हाँ, एक मरतबा बगावत मसलन सक्सेसफुल हो गई, मुसलमानों ने इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ, मुस्लिम गवर्नमेंट के खिलाफ ही बगावत की, मसलन खिलाफत अब्बासिया ने के जो मेमार थे उन्होंने बनु उमैया के खिलाफ बगावत करके अपनी खिलाफत कायम कर ली, तो ठीक है अब ये सारी मुसलमान उसको तस्लीम कर लेंगे। ठीक जी। अच्छा जी, जॉन विक लास्ट कॉलर है हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुसलमान है, मैंने आपको गैर मुस्लिम समझ कर लिया, फिर मैं किसी और को लूं। जी जी मैं मुस्लिम हूं लेकिन डाउट्स है मेरे कुछ। ये नॉन मुस्लिम एक मुझे नजर आ रहे हैं, अगर कहें तो उनको प्रेफर करना जैसे मुनासिब लगे। ऋषभ करके कोई है शायद, ऋषभ जी हाँ, ये पहले से चले लाते एक डाउट कर दीजिए। जी ठीक जी, मेरा एक डाउट ये है, देख जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में हमें एडवांटेज नहीं है क्या एक तरीके से, के कितने परसेंट ऐसे नॉन मुस्लिम होंगे? आप इंडिया से, पाकिस्तान से भाई? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से हूँ। अच्छा, आपके आबा व अजदाद में ऊपर जाकर कोई नॉन मुस्लिम था या आप सहाबा की औलाद में से हैं आप? जी मुझे तो कोई ऐसा ध्यान नहीं कि मेरा कोई पूर्वज या ऐसा कुछ एंसेस्टर्स वगैरह नॉन मुस्लिम हो। अच्छा, यानी ठीक है चल, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके पूर्वज या जिनके एंसेस्टर्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम थे और उन्होंने इस्लाम कबूल, तो मेरे बहुत, भाई बहुत सारे होंगे है ना, इर्द गिर्द में अक्सर अक्सरियत उन्हीं लोगों की है, तो ये डिसएडवांटेज जिसको आप डिसएडवांटेज कह रहे हैं ये उनको भी तो था ना, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, इल्म दिया, अकल दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अगर ये उनके तो आज भी बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल है। अब रही ये बात कि बहुत से वो लोग हैं कि जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची है, फिर उनकी फिर अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड भी अलग है। नहीं जैसे आज के प्रेजेंट डे में अगर ले के कितने परसेंट ऐसे, आपको क्या लगता है 100% में से कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जो पहले नॉन मुस्लिम है और आज मुस्लिम बन गए? लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, मेरे एक मिनट रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए, मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि मान लीजिए एक ने इस्लाम कबूल किया, जो 99 हैं उन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, तो जब उन तक इस्लाम की दावत पहुंची ही नहीं है तो उनसे ये सवाल नहीं होगा कि तुमने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया। इस्लाम की दावत पहुंच गई, इस्लाम की दावत पहुंच गई और उन्होंने अपनी अक्लो हवास में रहते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब यहां अकाउंटेबिलिटी है। जी एक सेकंड, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी भाई, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी मैं ये बोल रहा था कि ऐसे तो 90 मतलब एक तरीके से कि 99% लोग ऐसे हैं, 99.99% ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम पैदा हुए, जो मुस्लिम पैदा हुए और उनके चांसेस भी बहुत कम है कि वे नॉन मुस्लिम बन जाएं फ्यूचर में, क्योंकि बहुत से हम जितने भी आसपास अपने देखते हैं मुस्लिम ऐसा पैदा होता है तो वो मुस्लिम ही मर जाता है, ज्यादातर एक्स मुस्लिम की तादाद भी बहुत कम है, और एक बंदा है जो हिंदू में पैदा हुआ उसके भी चांसेस उतने कम है, तो उसी हिसाब से डिसएडवांटेज तो है ना उनको एक तरीके से आज के मॉडर्न डे में अगर हम देखें। चले अभी हालांकि मैं इसका जवाब दे चुका हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दुनिया के किसी भी सिस्टम में आप चले जाएं, जो सेक्युलर सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है या कहीं भी है जॉब सेक्टर में, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज वहां होती है या नहीं होती है? जॉब सेक्टर में कहीं भी आप चले जाएं, दुनिया के कोई भी सिस्टम उठा लें, उसमें कुछ लोगों को एडवांटेज और कुछ लोगों को डिसएडवांटेज होती है या नहीं? जी ठीक। अच्छा, जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज होना इस दुनिया के खमीर में शामिल है तो भाई हर चीज में होगी ना, फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई जो लिबरल सिस्टम है ना उसमें हर एक को एडवांटेज है, डिसएडवांटेज किसी को नहीं है। भाई आप दुनिया का कोई भी सिस्टम उठा लेंगे तो हर जगह कुछ लोगों को एडवांटेज होगी, कुछ लोगों को डिसएडवांटेज होगी। अब उसको डिसएडवांटेज जो क्लास है उसको, उसकी डिसएडवांटेज दूर करने का तरीका क्या है कि आप उसको एजुकेट करेंगे। मिसाल के तौर पर इंडिया में कास्ट सिस्टम रहा, ब्राह्मणों ने शूद्रों को दलितों को बहुत मारा पीटा, उनको पढ़ने से महरूम रखा, ठीक है सबको पता है, एक फैक्ट है। अब ये एक ब्राह्मण जो है वो एडवांटेज वाली क्लास है और जो दलित लोग हैं जिनको हम अनटचेबल जिनको माना जाता था
वो सारे के सारे वो थे कि जिनको डिसएडवांटेज था। अब उसके बाद गवर्नमेंट आई, सुन लीजिए मेरी बात, 1947 में कानून बना, कानून के दस्तूर बना, उसके बाद कानून बना। अब ये है कि भाई जो डिसएडवांटेज क्लास है उनको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन आ गया, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो पढ़ते नहीं, हम तो ऐसे ही जाहिल रहेंगे। तो अब आप क्या गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करेंगे कि जो रिजर्वेशन देकर भी उनको आगे लाना चाह रही है? तो भाई जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर यानी एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया, तो महज मुसलमान घराने में पैदा हो जाना उनका जन्नत में दाखिल होने की गारंटी नहीं है जब तक कि वो इस्लाम पर बाकी भी रहें। और हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर दौर में एक जमाना ऐसा आने वाला है कि इस्लाम पर बाकी रहना ऐसा ही होगा कि जैसा कि हाथ में आप अपने अंगारा रखें और उसको होल्ड करना मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान पैदा हुआ तो जन्नती में जाएगा, इस्लाम पर बाकी रहना बहुत मुश्किल है। रही ये बात कि जो डिसएडवांटेज क्लास है यानी गैर मुस्लिमों की, उनको तालीम देना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हों और वो उस तालीम को का इनकार कर दें तो ये उनकी गलती है, सिस्टम की गलती नहीं है। जबरदस्त, ये बात तो सही है, लेकिन आपने ये तो मान लिया ना कि उनको डिसएडवांटेज है। वो तो आप भी मान रहे हैं कि दुनिया का कोई निजाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें कुछ को एडवांटेज और कुछ को डिसएडवांटेज ना हो। खुदा इस चीज का ऐलान कर चुका कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह की वो दी हुई एडवांटेज है कि जिसको चाहे वो दे, ये उसका इख्तियार है। तो और हमें भी जो हमें जो डिसएडवांटेज होगा या हो रहा है उसको भी हजरत ने जिक्र कर दिया। यानी ये नहीं है कि कम्प्लीटली हम एडवांटेज या एक सेफ साइड पे हैं, बल्कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हम एजुकेटर्स हैं, बिल्कुल तुम सुहादा अलिन्नास, ठीक है, गवाह बन जाओ। और हमारी डिसएडवांटेज देखें, हमारी डिसएडवांटेज ये है कि हम पूरी दुनिया में क्या दुनिया के किसी भी इलाके में 100% इस्लाम को नाफिज नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह लिबरल निजाम है, ये हमारी डिसएडवांटेज है। वो लोग एडवांटेज में है कि जो इस्लाम के खिलाफ है, चूंकि उनको वो अपने निजाम के तहत रह रहे हैं, हम तो नहीं रह पा रहे। तो हमारी जमीन हकीकी तौर पर हमारे लिए तंग हो गई है, जाना है हमको, लेकिन उनका तो ऐसा है कि अगर जरा सा इधर हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। भाई वो तो जन्नत और जहन्नम पे यकीन रखते ही नहीं ना, वो तो जन्नत और जहन्नम पे यकीन रखते ही नहीं ना, उनके हिसाब से तो वो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज में रह रहे हैं वो, हम हैं डिसएडवांटेज में कि हम यकीन भी रखते हैं एक चीज के हक होने का लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहे। ओ भाई बात सुने, आप एक चीज समझे जॉन विक भाई, उनके जहन्नम में जाने की वजह उनका कुफर में पैदा होना नहीं है, ये भी तो देखे ना आप चीज, कुफर में उनका जिंदगी गुजारना, उसके पीछे हमारा क्या हाथ है? एक बंदा नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ है और आप रोज गुजर के वहां से अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जिस हालत में पड़ा हुआ है उसके आप जिम्मेदार नहीं है? ऐसा कैसे मुमकिन है? आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद उनके जहन्नम में जाएगी तो कन्फर्म है, तो जहन्नम में जाने के पीछे जो वजूहत है अल्लाह उनको भूल जाएंगे ना उस बिल्ला, वो आदिल है, वो देखेंगे कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। अगर वो बंदा किसी ऐसे ही खानदान में पैदा हुआ हो जिसमें उसके पापा भी नशेड़ी हो, उसका माँ भी ऐसी काम करती हो, तो सोसाइटी आप क्या ऐसे बंदे को नशे की हालत में पड़ा रहने देंगे सिर्फ ये सोच के कि इसके माता पिता ऐसे थे? तो आपकी इंसानियत किधर गई, आपका अकल किधर गया? मुझे तो लग रहा है वो ठीक गया, आप नशे में हैं। यानी ऐसे बंदे को नशे में कहा जाएगा जो किसी, वो कहते हैं ना, पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तब है कि गिरते को संभाल साकी, कमाल करते हो। अच्छा, वैसे जो नशे में है उसको संभालते नहीं। जी ये दूसरे डायरेक्शन में कर रहा हूं मैं, एक ये था कि उसको एडवांटेज है तो अल्लाह ने ये डिसाइड कैसे किया कि हाँ ये एक सॉल है, इसको बना रहा हूं मैं और उसको ये एडवांटेज दे दूंगा मैं कि भाई इसका ये जिम्मेदारी हो कि इसको अल्लाह ताला को ये डिसाइड करने का आप हक देते हैं कि नहीं? कुछ भी डिसाइड करने का हक है खुदा के पास है, लेकिन फिर तो इक्वालिटी चली गई ना। अब वो नहीं, तो एक मिनट, ये जस्टिस आप डिसाइड करेंगे या खुदा डिसाइड करेगा? वो कह रहा है कि मैं किसी को ज्यादा देता हूं, मैं एक मिसाल आपको देता हूं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए आपने किसी को मसलन ज्यादा कुछ पैसे दे दिए, चूंकि कुछ भी किसी भी वजह से, और दूसरे को आपने पैसे दिए लेकिन ज्यादा नहीं दिए, तो अब आप जो, और दोनों को, दोनों के ऊपर आपने इनाम किया, यानी ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक आदमी जो है वो आपसे मुतालबा कर रहा था बगैर किसी मुतालबे के, आपने दोनों को दिए, एक को ज्यादा दिए एक को कम दिए, तो जिसको कम दिए ना आप, ये नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ नाइंसाफी की, चूंकि नाइंसाफी उस वक्त होती है जब उसका हक हो और उसके बाद वो हक उसको ना मिले। तो अब अगर इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम घराने के अंदर किसी मुसलमान बच्चे को पैदा किया तो ये उसके ऊपर फजल है,
और अगर किसी गैर मुस्लिम घराने के अंदर किसी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम बच्चे को पैदा किया तो ये ऐसा नहीं है कि उसका हक था, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके सामने दो ऑप्शन रखे। अगर उसके पास दीन की दावत नहीं पहुंची तो वो जन्नत में जाएगा, दीन की दावत पहुंची और उसको अकल भी दी है अल्लाह ताला ने कि वो जज कर सकता है और उसके बावजूद वो रिजेक्ट कर दे तो जहन्नम में जाएगा, तो अपने रिजेक्शन की वजह से जाएगा। जी जी बेहतर, ठीक है, ओके, चले जी आज के लिए इतना ही। को ऋषभ को ले लें, आपने पहले जी ऋषभ भाई जो है ना असल में मैसेज कर रहे थे कि ले लें। अच्छा ऋषभ भाई लास्ट आप कॉलर हैं, दो मिनट में आपको दूंगा। थैंक यू सर, आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। सर पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को ज्वाइन किया सर, मुफ्ती सर और आमिर सर को मैं नमस्कार कहता हूँ, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। आपकी काफी स्ट्रीम्स देखी हैं सर, जो हिंदुओं पे भी आपने कमेंट्स किए हैं और धार्मिक बुक्स पे भी जो भी कमेंट किए हैं वो काफी लॉजिकल हैं और सच हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है। मैं काफी रियलिस्टिक आज़ाद के भी हैं, यहाँ पे भी जो चल रहे हैं इंडिया में भी जो रिवील करते हैं इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं, मैं उनको देखता हूँ और बहुत दुख भी हुआ और जानकर भी ये भी अच्छा लगा कि चलो ये चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। क्योंकि नॉर्मली मैं ये साहिल के चैनल्स एडम सीकर के चैनल्स देखता था जो मुस्लिम्स की चीज़ों को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं अभी, अब वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इस्लाम आया 700-600 ईस्वी में जब भी आया ये अपना, तो अभी के सिनेरियो में हम देखें कितने साल हो गए, 1400-1500 साल हो गए हैं, है ना सर? तो ये जितने भी अपने मुल्क हैं जो मेजोरिटी मुस्लिम्स कंट्रीज हैं, जैसे सीरिया हो गई सर, अभी रिसेंटली पाकिस्तान बांग्लादेश ये जो बने हैं, तो यहाँ पे इतनी सर गरीबी क्यों है? इस्लाम इतना क्यों सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया है इन कंट्रीज में, इतनी मेजोरिटी कंट्रीज इस्टेब्लिश कर ली हैं और जब इतने क्राइसिस हो रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूं आपको, बस छोटा सा जी। और जितने भी क्राइसिस हो रही हैं जो आई जाकिर नाइक साहब कहते हैं ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन जी जी ठीक सर, तो आपने मैं चूंकि मुख्तसर करना है ना तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर वन, इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, इस्लाम रहती दुनिया से है, जब से दुनिया बनी है और इंसान ने इस दुनिया पर कदम रखा है इस्लाम उसके साथ है। हाँ शरीयतें अलग अलग आई हैं, जो पहला आदमी था यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उसको खुदा ने हुक्म दिया था कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चले और उस पहले आदमी ने खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी और इस्लाम के माने ही है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, तो इस वो भी मुस्लिम थे और उसके बाद जिन जिन लोगों ने खुदा की मर्जी के ऊपर जिंदगी गुजारी वो सारे मुस्लिम थे, ठीक है, पॉइंट नंबर वन। हाँ शरीयतें अलग अलग आई हैं, जिस शरीयत पर हम चलते हैं वो 1400 साल पहले आई है। अच्छा अब आप ये कहते हैं कि भाई चलो इसी शरीयत को मान लेते हैं कि यही इस्लाम है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं तो वो तो कामयाब नहीं है, ठीक है, उनके यहाँ गुर्बत है वगैरह वगैरह, और आपने मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का नाम रखा, आपने मिसाल के तौर पर सीरिया का आपने एग्जांपल दी, तो अब इसका इसके मैं दो जवाब दूंगा। पहला जवाब यह है कि इस्लाम के ऊपर जब इन मुस्लिम इलाकों ने 100% अमल किया तो ये मुस्लिम इलाके अपने जमाने के गोल्डन बर्ड्स कहलाते थे, इंडिया को गोल्डन बर्ड कहते थे, कौन रूल कर रहा था उस वक्त, मुगल कर रहे थे ना। इसी तरीके से आप अगर खिलाफत अब्बासिया देखें, खिलाफत बनू उमैया देखें, खिलाफत उस्मानिया देखें, ये वो पीरियड है जो इस्लाम का गोल्डन एज है कि जिसमें जो मुसलमान थे उनके पास पावर थी, उनके पास तरक्की थी, उनके पास बिल्डिंगें थी, उनके पास आर्किटेक्चर था, हर चीज उनके पास थी और यूरोप उनके पास आकर सीखता था, ठीक है। ये उस जमाने में था जब वो इस्लाम पर चल रहे थे, उन्होंने इस्लाम के ऊपर चलना छोड़ दिया। अब ये सारे मुमालिक वो हो गए कि जो इस वक्त सेक्युलर या लिबरल आइडियोलॉजी पर चलते हैं। बताइए कौन सा मुल्क ऐसा है जो कैपिटलिस्ट नहीं है? पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सीरिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी है, इजिप्ट एक सोशलिस्ट सोसाइटी रही है, हाफ सोशलिस्ट हाफ कैपिटलिस्ट। इसी तरीके से आप दुनिया के किसी भी मुल्क को उठा के देख लें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिज्म के अंदर होता क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती रहती है, ये कैपिटलिज्म है। तो जितने भी बड़े मुमालिक हैं जो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, अमेरिका है, जापान है, चाइना है, रशिया है वगैरह वगैरह, फ्रांस है, जर्मनी है, G7 G8, ये सारे वो मुमालिक हैं कि जो बड़ी बड़ी मछली कहलाते हैं और जिनका काम छोटी मछलियों का शिकार करना होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम कसूरवार है, इस्लाम को छोड़ना दरअसल इन लोगों का कसूर है। अब मैं आपको तीसरी मिसाल देता हूं। तीसरी मिसाल है कि अफगानिस्तान में 2 साल पहले एक हुकूमत तब्दील हुई जो कि वेस्ट की कठपुतली थी, कि जो कैपिटलिस्ट निजाम के ऊपर चल रही थी, और एक हुकूमत खत्म हो गई और एक नई हुकूमत आई जिसको आप तालिबान रिजीम कहते हैं, जिसको आप ये कहते हैं कि भाई यार ये लोग तो बहुत ही
بیکورڈ ہیں. انہوں نے حکومت شروع کی, بے سر و سامانی کے عالم میں حکومت شروع کی. ان کا کوئی کنیکشن دنیا سے نہیں ہے, ان کو کسی دنیا کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا. ان کے جو اثاثے ہیں سارے کے سارے فریز کر دیے گئے, اربوں ڈالر کے اثاثے. اس کے باوجود آج آپ دیکھیں افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے مضبوط ہے. کیوں؟ جبکہ وہاں نہ لبرلزم ہے نہ سیکولرزم ہے, اور ساری دنیا نے ان کا جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی وہ ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں, اور بہت سے مسلم ملکوں سے آگے ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں. تو آپ اگر ایز اے لبرل سوسائٹی, ایز اے سیکولر سوسائٹی کسی مسلمان ملک کو ترقی کرنے دیں گے اس کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ, تو آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ 10-15 سال کے اندر وہ بہت آگے نکل چکا ہوگا. جی جی جی. اچھا میں اس پہ نا ایک بات, سوری رشبھ بھائی, سوری چونکہ مختصر ہی حضرت نے کہا ہوا ہے وہ ختم کرنے والے ہیں بڑی تیزی سے بات. ایک بک ہے میں ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ آپ نیوٹرلی اور آپ کہہ رہے ہیں ریشنلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ نا سارے کا سارا تعلق نا پالیسیز کے ساتھ ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. اس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ اس اعتبار سے نہیں جوڑنا چاہیے کہ ابھی جیسے کسی مسلم سوسائٹی کے اندر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ خاص, جیسا حضرت نے بتا دیا کہ اسلام تو ہے نہیں. تو جو یہ ماڈرن ڈے اکانومی چل رہی ہے نا, اکانومک ورلڈ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک بک ہے وائی نیشنز فیل. وہ کتاب بڑی پڑھنے سر بیسٹ, نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر بک ہے. دو اس کے اکانومسٹ ہیں جو آتھر ہیں اس کے, انہوں نے کتاب میں سمجھایا کہ کیوں کچھ ملک بڑی تیزی سے ترقی کر گئے ہیں, کیوں کچھ ملک ویسے ہی سیم ریجن ہے اور وہ پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں. ایک تو یہ چیز دیکھنی چاہیے, دوسرا یہ چیز دیکھنی چاہیے. اچھا, اور ایک چیز میں کریکٹ کر دوں, اس وقت میں نے ابھی ایک منٹ عامر بھائی گوگل پر چیک کیا ہے, ایک انڈین روپی کے 94 افغانی پیسے آ رہے ہیں. تو بہت قریب, اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کی اکانومی کتنی بڑی ہے اور کب سے ترقی پر ہے, اور یہ 2 سال کا بچہ ہے افغانستان, تو 2 سال پہلے حکومت آئی ہے نا. اور جبکہ انڈیا میں G20, یعنی انڈیا اس پوزیشن پر ہے کہ G20 ہوسٹ کر رہا ہے, افغانستان کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا, تو وہ کہاں پہنچ گئے. اور 50 سال سے وار کی اسٹیٹ میں تھا, اور پاکستان سے زیادہ اسٹرانگ ان کی کرنسی ہوگی. اچھا خیر, اب دوسری چیز جو میں بیان کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ کرنٹ ایشوز میں آپ یہ دیکھیں کہ رشیا نے ابھی 2 سال کا پائلٹ پروگرام جو ہے وہ اسلامک بینکنگ سسٹم کا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. اس میں ڈیٹیلز کچھ اور بڑی ہیں, ہاں اس میں ڈیٹیلز اور بڑی ہیں, مگر انہوں نے 2 سال کے لیے ستمبر سے امپلیمنٹ کروایا اس کو, 2 سال کا پائلٹ پروگرام اسلامک بینکنگ کا. اور انہوں نے اس کی جو پوری میں نے سمری دیکھی نا, ویسے سارا تو نہیں میں مکمل ان کے جو موٹیوز ہیں وہ دیکھ پایا, مگر ملٹیپل موٹیوز میں سے ایک موٹیو یہ تھا کہ وہ انویسٹمنٹ کو لانے کا آسان طریقہ ہے, اور قرض حسنہ کی بنیاد پر جو اسلامک بینکنگ کی بیس ہے نا کہ انٹرسٹ نہیں لیتے وہ, یعنی انٹرسٹ جس طریقے سے ریشو اوپر نیچے جاتی ہے پرسنٹیج جو کیپٹلسٹ سوسائٹی اکانومی کے اندر, اس طرح نہیں ہے. تو اگر اس چیز کو بحثیت ایک سسٹم امپلیمنٹ کروایا جائے گا نا, یہ ٹیسٹ پروگرام ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ رشیا کو اس میں کام میں مزہ آئے گا, اور ان کو فیل ہوگا نا جب کہ وہ ویسٹرن بینکنگ سسٹم کو کولیپس کر پا رہے ہیں, تو وہ پھر اس کو اور طریقے سے بھی انٹروڈیوس کروائیں گے. خیر یہ چند پوائنٹس ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی زکات لینے والا بندہ نہیں تھا, یہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گولڈن ایج. اور کبھی اور جو پیور مسلم کنٹریز ہیں نا, پیور یعنی اسلامک سسٹم پر جو چلنے والی ہیں, آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے بینکرپسی فائل کر دی. لیکن آپ برمنگم کے بارے میں نیوز ہے کہ فائل کیے ہوئے بینکرپسی, پورا شہر بینکرپٹ ہو گیا بھائی. جہاں سے کیپیٹلزم نکلا ہے, جو کیپیٹلزم کا سینٹر ہے, وہاں شہر کا شہر بینک کرپٹ ہو رہے ہیں. 2008 میں اسٹیٹ آف مشیگن یو ایس کے اندر پورا کا پورا اسٹیٹ بینک کرپٹ ہو گیا تھا. سر یہ تو رہی سر اکنامک, آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ کیپیٹلزم کا ایک بہت زیادہ دبدبا رہا ہے کافی ٹائم سے, اور کافی کنٹریز اسلامسٹ لا کو کافی اچھے سے فالو نہیں کیے ہیں. تو سر جیسے میں مطلب ہم دیکھتے ہیں کافی پرانے ٹائم سے جتنے بھی مطلب انوینشن ہوئے, میجر انوینشن ہوئے, تو وہ یہودی لوگ کر رہے ہیں, کرسچن لوگ کر رہے ہیں, اور میرے کو نہیں لگتا کہ وہ اپنے ریلیجن کو اتنا سیریس. جی آپ کا دوسرا سوال ہو گیا, پہلے سوال کا جواب ہو گیا ہے پاورٹی کے تعلق سے. اچھا رہی بات انوینشن کی, عامر بھائی نے میرے خیال سے کچھ اس تعلق سے گفتگو بھی کی تھی. ایک اور میں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ دا مسلم ہیرو سیریز ہے ڈینیل حقیقت جو کے چینل پر, ڈینیل حقیقت جو آپ ڈالیں گے تو آ جائے گا. تو انہوں نے جو مسلم ہیروز ہیں جنہوں نے سائنٹیفک یا اور بھی دوسرے میدانوں کے اندر کام کیے, ان کے تعلق سے انہوں نے وہ ویڈیو رکھی. چونکہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے, میں اس پر آگے اگلی مرتبہ کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. آج کے لیے بالکل سر, تھینک یو آپ نے لیا, اور میں آگے بھی آتا رہوں گا سر. چلیں اوکے, تھینک یو. انوینشنز کا, ہاں حضرت انوینشنز کا اکانومی کے ساتھ obviously ابھی ریسنٹلی تعلق, جبکہ ٹیکنالوجی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, اس سے پہلے تو پراسپیرٹی کا انوینشنز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا, کا تعلق ایگریکلچر کے ساتھ. انوینشن میں بھی آپ پیچھے نہیں ہیں نا. ہاں پیچھے نہیں ہیں الحمدللہ,
हाँ, मगर मैं ये चीज कह रहा हूँ कि अगर लिंक कर रहे हैं तो कितने जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, अगर आप उनकी प्रोडक्शन देखें, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। मिसाल के तौर नॉर्वे या आप ये डेनमार्क वगैरह देखें, उनको एज ये है कि ईयू के साथ लिंक है, यूरोपीय यूनियन के साथ। तो आपकी ज्योग्राफी मैटर करती है, इन्वेंशन कई पीछे चली जाती है, आप खुशहाल हो जाते ऑटोमेटिकली। ये वो लोग थे जो यूरोप के गाँव समझे जाते थे, यानी यहाँ पर कूड़ा कूड़ा गिरता होता था। तो बहरहाल ये चीजें हैं कि इस चीज को देखना चाहिए। खैर चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपके आने का। कैसर भाई भी आए थे और आसिम इफ्तिखार साहब और इस्लाम नॉलेज इस्लाम वगैरह, आतिफ रैयान साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब, सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया आज की स्ट्रीम में साथ में जुड़ने का, साथ देने का। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जज़ाकुम अल्लाह खैरन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।